ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 24 का फर्स्ट क्वेश्चन डाउट। देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस इलिमिनेट करनी हो तो दो ऑप्शन तो एक मिनट में इलिमिनेट होती हैं। कैसे? जैसे सपोज करो आपके पास कोई ये वायर है, और वायर कैसी है? वायर ऐसी है, ये वायर ऐसी है। सोचो ये एक फेस है, इसमें करंट बाउंड्री पे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये आउटर बाउंड्री है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है, पहले सिर्फ ऊपर वाले फेस को ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो चार फिंगर ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो बी की डायरेक्शन कहाँ होगी? मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। कौन सा एक्सिस है? एक्स। तो आंसर में आई कैप पक्का आएगा, माइनस आई कैप वाले जहां ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, माइनस आई कैप उड़ा दो, नहीं चाहिए। एक ऑप्शन तो उड़ गया, ठीक, इलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन। अब एक काम करते हैं, नीचे का फ्लोर लेते हैं, फ्लोर में करंट कैसे आ रहा है? अगर इसमें ऐसे आ रहा है तो इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमने का मतलब चार फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो बी कहां आएगा? ऊपर। ऊपर का मतलब कौन सा कैप है? वाई कैप, जे कैप है। तो आंसर में जे कैप आएगा, आई कैप आएगा, माइनस जे कैप तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी उड़ गया, ए भी गया, बी भी गया, कौन बचा? सी और डी, क्योंकि दोनों में आई कैप जे कैप दोनों पॉजिटिव है, कोई डाउट इसमें? इसके आगे कोई शॉर्टकट चलेगा नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए ये फेस लेते हैं ऊपर वाला, ऐसे मुझे बी कहां निकालना है? ओ पॉइंट पे। तो मुझे जो बी की वैल्यू निकालनी है वो ओ पॉइंट पे निकालनी है कुछ ऐसे, तो ये करंट ऐसे गया, ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो ये रहा करंट ऐसे, और ये ओ पॉइंट है जहां मेरा थंब है, ये ओ ऐसे दिखाता हूं, ये ओ पॉइंट है। तो इमेजिन करो ये करंट कैरिंग वायर है, ये ओ पॉइंट है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं ये वाला। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? अब मुझे ये पता है कि एक्चुअल में ये पूरा एल लेंथ थी स्क्वायर की, पहले स्क्वायर को हमने ऐसे मोड़ दिया है, तो अगर टोटल लेंथ एल है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? एल बाय टू, और ये भी कितनी हो जाएगी? एल बाय टू। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला एल बाय टू, तो ये भी क्या हो जाएगा? एल बाय टू, ठीक। तो ये जो दूरी है ओ पॉइंट पर, ये कितनी है? एल बाय टू। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में ये करंट कैरिंग वायर है और ये दूरी यहां से कितनी है? एल बाय टू। तो एक एंगल यहां से बनेगा, एक एंगल यहां से बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 45, और ये भी कितना बनेगा? 45। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बी का इस वायर के लिए, ऊपर वाली वायर के लिए बी का फॉर्मूला लगेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट आई डिवाइडेड बाय एल बाय टू इन टू साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। तो ये क्या लग गया आपको? ये बी की वैल्यू आ गई। फिर आप क्या करेंगे? इसका बी सिमिलरली यहां निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा? एक एंगल 0 और एक एंगल 45, ऐसे बनेगा ना। अगर ये वायर लेते हैं कॉर्नर की, ये वायर लेते हैं और बी यहां पे निकालना है, तो इस वायर का यहां से एंगल क्या बनेगा? 0, क्योंकि वायर यहीं से स्टार्ट हो रही है, और एक क्या बनेगा? 45। तो बी 2 निकलेगा, ऐसे इसका निकलेगा, तीनों को ऐड करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी इन तीन वायर्स की वजह से। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि आई कैप के अलोंग आएगी। जो भी आप सॉल्व करेंगे, तो आप ना जैसे इन्हें ओपन कर लें, तो आई कैप का कोफिशियंट अगर मैच कर गया तो जे कैप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जे कैप का भी आंसर एग्जैक्टली क्या आने वाला है? सेम, तभी तो वैल्यू बिल्कुल कॉमन निकली हुई है बाहर। तो एक साइड को सॉल्व करना है आपने, तीन साइड्स को, जैसे वॉल वाली तीन साइड्स को करें, फ्लोर को ना करें आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कैसे सोचना, मैंने किया नहीं है, लंबा केस है, पर मैं आपको ये बता दिया कि कैसे करना है, एलिमिनेशन कैसे करनी है, ठीक। तो एक बार ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 में डाउट है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको? ये एक वायर है, ये एक वायर है ऐसे, तो ओ पॉइंट पे बी निकालना है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो सीधा 0, क्योंकि इसके एक्सिस पे ओ पॉइंट लाइक करता है। सिमिलरली इसके एक्सिस पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन 0, क्योंकि ओ पॉइंट इसके एक्सिस पे लाइक करता है।
ठीक है यहां तक। अब इसमें बात करते हैं, अगर इस कंपोनेंट की इसकी बात करते हैं, तो ये वायर क्या है, इंफिनिटी। तो ये ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट से इसका एंगल क्या है, जीरो, और एक एंगल क्या है, 90। तो फर्स्ट वायर का बी क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, आर, साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ 90। क्या स्टेप क्लियर है? सिमिलरली इसका आंसर भी सेम है डायरेक्शन। ये जो वायर है इसमें करंट का है नीचे, तो बी कहां होगा, बाहर। इसमें करंट का है ऊपर, तो बी कहां होगा, बाहर। तो जो भी आंसर आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आउटसाइड में हो जाएगा, डन। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। थर्ड क्वेश्चन में डाउट? यस सर। देखो थर्ड क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद किया भी हुआ है हमने मिलता जुलता, कि आपको ये करंट कैरिंग वायर गिवन है, ये लो इधर गई और करंट कैरिंग वायर इधर गई, और ये इसका मिड पॉइंट है कुछ ऐसे, सच दैट ये एंगल कितना है थीटा बाई 2 और ये एंगल कितना है थीटा बाई 2। तो करंट क्या है इसमें, आई करंट है। आपको इसके आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है आर, आर डिस्टेंस पे वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, आर डिस्टेंस पे बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक यहां तक। अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो जब आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये लो 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये वायर कहां से आ रही है, एट इंफिनिटी। तो ये आ रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ए है, तो इसमें साइन ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय आर, या फिर ए की वैल्यू आर इनटू साइन ऑफ थीटा बाय 2, क्योंकि आर गिवन है, चाहिए हमें ए, तो हमने पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए निकाल लिया। अब इस वायर के लिए एक एंगल phi 1 कितना है, 90 माइनस थीटा बाय 2, और 9 इंफिनिटी की वजह से ये एंगल कितना है, 90। तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहां से b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई i डिवाइडेड बाय a sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस sin ऑफ 90। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा, या phi 1 phi 2। ठीक, तो इसके अंदर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई i डिवाइडेड बाय a की जगह क्या पुट करेंगे, r sin थीटा बाय 2 इनटू sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2 क्या है, cos ऑफ थीटा बाय 2 प्लस 1 आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? आंसर मार्क कर लेना, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आंसर डी होएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 6 में डाउट, 7 में डाउट, 6th में फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी located at a distance of x from the corner of an infinitely long wire bent at right angle, the wire carries a current i. तो i current है, तो इसका contribution तो हो गया 0,
और इसके लिए एक एंगल 0, एक एंगल 90, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, नाइन्थ क्वेश्चन में ही गलत किया हुआ है वैसे। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि आपके सामने ये पी पॉइंट है और ये 60 डिग्री है, तो ये जो वायर है इसके एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, ठीक है, 0। नेक्स्ट है, ये जो वायर्स हैं काफी क्लोज हैं, तो इसके एक्सिस पे पी पॉइंट लाई करता है, इनका कंट्रीब्यूशन भी 0। बचा क्या, सिर्फ 1 एंड 2। वन वायर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, थीटा आई बाय ए। थीटा कितना है, पाई बाय 3 आई डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है, ए। बी टू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई बाय 3 आई डिवाइडेड बाय बी। तो करंट इसमें ऐसे है तो बी कैसे है, आउट, तो इसमें बी कैसे है, आउट, तो इसमें बी कैसे है, इन। इन तो ए की वैल्यू यहां पर क्या है, स्मॉल। ए अगर स्मॉल है तो बी की वैल्यू क्या है, बिग। बी बड़ा है तो ये बी क्या है, छोटा। तो नेट बी की वैल्यू विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2। आंसर माइनस करके आंसर आएगा, निकाल लेना। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10th। यस सर। देखो ये क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव में किया था ना, कि अगर मान लो करंट इसमें इनसाइड है, इनफाइनाइट वायर है, तो फिंगर्स ऐसे घूमती हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके B1 आता है। इसके अंदर भी ऐसा ही है करंट, अच्छा ये गड़बड़ है इसमें, इसमें करंट इनसाइड है तो ठीक है, इसमें करंट ऐसे है तो B2 आउटसाइड आना चाहिए, गलत डायग्राम बन गया। तो इसके अंदर मुझे ये ड्रॉ करना चाहिए, करंट इसमें इनसाइड है तो B की वैल्यू ऐसी कुछ आनी चाहिए, B2 ऐसे ऐसे नहीं, पर होंगे B1 एंड B2 आपस में 90 डिग्री पे ही। तो आप इन फाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगाएं B1 एंड B2, और नेट आंसर अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, ठीक है।